सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी चॉकलेट मलाई की लोरी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए मलाई एक छोटी कटोरी, ये 2 लीटर दूध की मलाई है। रात को हमने दूध को उबाल लिया था और उसे फ्रिज में रख दिया, उसके ऊपर जो मलाई आई है वो हमने निकाल लिया है। ग्राम में नापेंगे तो ये लगभग 150 ग्राम मलाई होगी। 100 ग्राम हमें चाहिए खोआ, ये घर का निकला हुआ खोआ है, गाय का दूध है इसलिए खोआ पीला है। साथ में हमें चाहिए आरा रोट, बुरा चीनी 1 बड़े चम्मच, 1 बड़े चम्मच चाहिए हमें नारियल पाउडर और किशमिश के कुछ दानियां। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस में मलाई और आरा रोट को एक साथ मिला देंगे। अरारोट हम इस चम्मच से देख रहे हैं, 1 चम्मच हम अरारोट डालेंगे। देखिए मलाई में हमने अरारोट अच्छी तरह मिला लिया है। गैस को हम ऑन करते हैं। हम अरारोट इससे डाल रहे हैं कि आप इसको व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। गैस की आंच को हम मीडियम करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए मलाई और आरा रोट को हमने 3-4 मिनट भूना है और ये हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी समय हम इसमें डाल देंगे खोआ। खोआ को पहले आप 2-3 मिनट भून लीजिएगा। मैंने पहले घर का निकला हुआ खोआ इसलिए वो भून गया है। पहले आप खोआ भून कर फिर उसी कढ़ाई में आप मलाई और आरा रोट मिलाते रहिएगा। इसको भी अच्छी तरह मिलाते हुए चलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना। इसे भी हम मिलाते हुए 2 मिनट केवल भूनेंगे। देखिए इसको भी हमने खोआ डालकर 2 मिनट भूना है। गैस को बंद कर देते हैं और प्लेट में निकालकर इसे ठंडा करेंगे और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो इसको 10 मिनट के लिए हम ये मिक्सचर को फ्रिज में रख देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बुरा चीनी और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए एक बाउल को लिया, उसमें गोली को एक किशमिश का दाना रखा। हाथ से आराम से आहिस्ते आहिस्ते आप इसको करिए और नारियल के बुरादे में इसको लपेट दीजिए। गिलोरी जो है बहुत ही खाने में टेस्टी होती, बस मुंह में डालेंगे घुल जाएगी। ये बड़े बच्चों सभी छोटों को सभी पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी होती है। होली के सीजन में आप गुजिया तो बहुत बनाई होंगी, इन बार ये गिलोरी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। अब चम्मच में हम चॉकलेट सिरप निकालेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। चॉकलेट मलाई की लोरी बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।